प्रेम से बोलिए जगदम्बा जगत जननी माँ संतोषी की जय। आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा बनी रहे, इसी शुभ कामना प्रार्थना के साथ में आइए जानते हैं माता संतोषी की पूजा किस प्रकार करें जिससे आपको शीघ्र ही पूजा का फल मिले। माँ संतोषी कृपा करें। सबसे पहले जानते हैं माता संतोषी के परिवार के बारे में। कल्याण स्वरूप, देवों के देव आराध्य, कालों के महाकाल, भगवान पशुपति शिव शंकर माता संतोषी के बाबा हैं। पार्वती माँ उनकी दादी हैं और भगवान गणपति उनके पिताश्री हैं। देवताओं के सेनापति उनके दादाजी हैं और माता संतोषी के परिवार में कौन कौन है ये जानना हमें अति आवश्यक है। अगर हमारे परिवार का कोई अपमान करे, हमारा सम्मान कर दे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माता संतोषी को प्रसन्न करने के लिए उनके परिवार को भी प्रसन्न करना चाहिए। गणेश जी की माता देवी पार्वती भगवान शिव हैं, उनके बड़े भाई कार्तिकेय हैं, लेकिन उनके चार भाई और हैं, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। भगवान गणपति की तीन बहनें यानी कि माता संतोषी की तीन बुआ हैं। इनका नाम अशोक सुंदरी, ज्योकति, ज्वालापुलामुखी और देवी मनसा है। गणेश जी की दो नहीं बल्कि पांच पत्नियां हैं। अगर हमें माता संतोषी को प्रसन्न करना है तो या संतोषी माता की माता को भी प्रसन्न करना है। संतोषी माता की माँ है रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि और श्री। ये हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि देती है, हमें संतोष करती, हमें पुष्ट करती हैं, हमें धन धान्य सुख से परिपूर्ण करती हैं। और गणपति जी के दो पुत्र हैं अर्थात माता संतोषी के जो भाई हैं लाभ और शुभ, साथ ही उनके पोते हैं आमोद और प्रमोद और उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ। गणपति जी का जो प्रिय पुष्प है वो लाल है और माता संतोषी को भी लाल प्रिय ही पुष्प प्रिय हैं। पूजा में स्वास्तिक जरूर बनाएं, स्वास्तिक बनाने से लाभ होता है। और गणपति जी की पूजा माता संतोषी की पूजा से पूर्व करना चाहिए क्योंकि ये विघ्न विनाशक हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम गणपति की पूजा किसी की भी पूजा करने से पहले ज़रूर करना चाहिए। गणपति जी को लाल पुष्प और समी पत्र भी प्रिय है, साथ ही बेलपत्र केले का पत्ता भी इन्हें प्रिय है। भगवान गणपति का प्रमुख अस्त्र पास और अंकुश है। माता पार्वती शेर पर सवार है, भगवान शिव नंदी पर, माता संतोषी दिव्य कमल आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। माता संतोषी का दिन शुक्रवार माना गया है। यह दिन शुक्रवार शुभ अति है, सुख संपत्ति का दाता है। माता संतोषी का व्रत करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, रोग शोक क्लेश संताप इत्यादि से मुक्ति मिलती है, असीम कृपा और शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में वैभव संपन्नता आती है। कभी कभी हम पूजा में गलती करते हैं, जैसे कि पूजा करते समय हमें क्रोध करना या बार बार बोलना या मन का ना लगाना, कथा ना सुनना, घी का दीपक ना जलाना, कलश ना लगाना। कलश लगाते समय उसमें स्वास्तिक जरूर बनाएं और मौली बांधें। इसके साथ साथ वरुण देवता को प्रणाम करें और उसके बाद माता संतोषी को, सबसे पहले गणेश भगवान को और फिर उनके पिताश्री गणेश भगवान के भगवान शिव, फिर माता पार्वती को भी तिलक लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो उनका जलाभिषेक करें। इससे माता पार्वती और शिव का यदि आप पूजा आवाहन करते हैं तो निश्चित ही
माता संतोषी प्रसन्न होंगी क्योंकि उनके परिवार का सम्मान आप कर रहे हैं, तो आप पर जरूर कृपा बरसेगी। और कलश में गंगा जल डालें और कलश के जल को तुलसी की क्यारी या पीपल के वृक्ष में भी या किसी पवित्र स्थान पर डाल दें। घर में थोड़ा सा जल बचा करके छिड़काव जरूर करें। अगर आप किसी रोग शोक के लिए कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो थोड़ा सा कलश का जल उसे अमृत स्वरूप अमृतापान जरूर कराएं। साथ ही साथ पूजा के पश्चात प्रसाद सब में बांटें। प्रसाद का अर्थ है कि जितना आप लोगों में वितरित करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को देंगे, अगर आप अधिक से अधिक फल चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करें। साथ ही साथ आप गाय को कुछ मीठा जरूर खिलाएं, इससे निश्चित ही आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा और सौभाग्य जागृत होगा। इसके साथ साथ में माता संतोषी को प्रसन्न करने के लिए आप क्रोध से बचें, किसी की निंदा से बचें, नियम और संयम भी अपने जीवन में जरूर अपनाएं, हो सके तो कम से कम बोले, ज़रूरत की बात जो है वही कहें और किसी का भूल से भी अपमान ना करें। लड़ाई झगड़ा से जरूर बचना चाहिए। पूर्ण फल के लिए अपने इष्ट देवी देवता का नाम सतत जप करना चाहिए। थोड़ी देर नेत्र बंद करके ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना चाहिए। माँ संतोषी से या आपके जो प्रिय हैं उन देवी देवता से अपने मन की बात को कहना चाहिए और अपने मन के जो संकल्प हैं जिसे आप चाहते हैं कि ये संकल्प हमारा पूरा हो, तो आप उस संकल्प के लिए व्रत कर रहे हैं 16 शुक्रवार जरूर करें। और 16 शुक्रवार के संकल्प को, जो भी संकल्प आप लेकर के पूजा पाठ कर रहे हैं, भूल से भी उस संकल्प को किसी को ना बताएं। इसे शास्त्रों में लिखा है, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलीय तबही जब करिए दुराऊ। अर्थात आप जब कोई कार्य करते हैं तो जितना मंत्र है, साधना है, पूजा है, जप तप है, उपवास है, आप जो भी करते हैं अगर वो किसी को आप बता के करते हैं तो उसका फल उतना घट जाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी बात को गुप्त रखें, केवल माँ के समक्ष ही अपने मन से कहें और किसी को ना बताएं। व्रत करते समय आप घर में एक दिन पूर्व यानी कि बृहस्पतिवार से आप खट्टा खाना, खट्टी चीज़ें बनाना इत्यादि बंद कर दें, क्योंकि हम जब बृहस्पतिवार को कुछ खाएंगे तो वो हमारे उदर में कहीं ना कहीं रहता है। इसलिए प्रसाद में आप मीठा ही बनाएं। केले भी कभी कभी खट्टे निकल जाते हैं इस समय के, इसलिए केले का भी भोग न लगाएं। खीर का प्रसाद लगा सकते हैं भोग, लेकिन उसमें आप शक्कर डालें लेकिन किशमिश ना डालें, और मेवा मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको लगता है कि ये खट्टी चीज़ें हैं इनसे हमें द्वेष लग सकता, दोष लगेगा, तो आप उसको ना डालें। साथ ही साथ में प्रसाद आप जो भी लगाएं वो सबको वितरित करें, किसी को ऐसा नहीं कि आप छुपा के प्रसाद रखें और देना, इसे माँ हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगी। साथ ही साथ में घंटी जरूर आरती के समय बजाना चाहिए और अंगूठे को बाहर निकाल करके घंटी नहीं बजाना चाहिए। अंगूठा अर्थात ये जैसे लोग कहते हैं ना कि अंगूठा ठेंगा दिखा रहे हैं, तो आप माता के समक्ष अंगूठा ना करें। किसी भी देवी देवता की पूजा में ये वर्जित माना गया है। अंगूठा अंदर की तरफ होना चाहिए और माता संतोषी या किसी देवी देवता की जो आरती है शास्त्रों के अनुसार ऐसी आरती करनी चाहिए। आप आरती गाइए लेकिन एक 4 बार चरण की आरती करिए घुमा करके, और 2 बार हृदय की, 1 बार मुखमंडल की, और उसके बाद 7 बार आप माता के या किसी देवी देवता के पूरे विग्रह की आरती करें। ऐसा शास्त्रों का नियम है, तभी आपको व्रत का, माँ की आरती का पूर्ण लाभ मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। माँ को सिंदूर लगाना चाहिए, मस्तक पे रोली लगाना चाहिए, लाल फूल चढ़ाना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से पूजा करने से निश्चित ही हमें व्रत का, पूजा का फल अवश्य मिलता है।
इस तरह से आप करेंगे तो आप अवश्य ही देखेंगे। और पूजा के पश्चात माता संतोषी को दंडवत प्रणाम करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आपको श्लोक याद हो तो ठीक, नहीं तो आप इतना कह सकते हैं, हे माँ, हमसे जो छोटी बड़ी गलती हुई हो पूजा में उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और फिर पुष्प अर्पित करें और जो आपसे बड़े हैं घर में उन्हें प्रणाम जरूर करें। आशीर्वाद जरूर फलता है, ध्यान रखिए। माँ, आप माँ की पूजा करके फिर आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इस तरह से विधि विधान से आप पूजा करेंगे तो माँ निश्चित ही आप पर और आपके परिवार पर प्रसन्न होंगी, आपकी कामनाएं निश्चित ही पूर्ण होंगी। तो आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा सर्वदा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति का आगमन हो, इसी शुभकामना के साथ आपको रिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, कुशल मिलेगा, क्षेम मिलेगा, कल्याण होगा, आप में शक्ति आएगी, क्योंकि भगवान शंकर कल्याण करते हैं, माता पार्वती शक्ति की स्वरूपा हैं और माता जो भगवान गणपति हैं विघ्न विनाशक हैं और आमोद प्रमोद जीवन में खुशी। तो जो माता संतोषी का परिवार है वो एक दिव्य और भव्य परिवार है, उन सबकी आराधना उपासना जरूर करें और सबको प्रणाम करें। इस तरह से आप सभी माता संतोषी का व्रत करें, कथा सुने, माता संतोषी आप सभी पर प्रसन्न रहें। कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, खट्टा इत्यादि खा लें तो उसके बाद लिए पुनः एक बार व्रत जरूर करें। तो आप सभी पर माँ संतोषी भगवती की कृपा बनी रहे। जय जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। प्रेम से बोले एक बार, जय माँ संतोषी।